मैं राशि कपूर, INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपर फास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 की 4थी और 5वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की जान गई है, मृतकों में एक महिला भी शामिल है। 6 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। आग BCG वैक्सीन लैब में लगी थी। आग पर काबू पाने के बाद जब तलाशी की गई तो 5 लाशें जली हुई हालत में मिली। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया है। जनरल नरवणे ने दिल्ली में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि देश की रक्षा जरूरतों के लिए हमें रणनीतिक तौर पर आत्मनिर्भर होना होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। किसानों के साथ पुलिस की गुरुवार को हुई मीटिंग भी बेनतीजा रही। ये लगातार तीसरा दिन था जब पुलिस ने किसानों को मनाने की कोशिश की। मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी शामिल थे। वेब सीरीज तांडव पर छिड़े विवाद के बीच अमेज़न प्राइम वीडियो की एक और सीरीज मिर्जापुर भी कंट्रोवर्सी में घिर गई है। इस पर उत्तर प्रदेश की छवि धूमिल करने का आरोप लगा है। मिर्जापुर के रहने वाले याचिकाकर्ता SK कुमार की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज के मेकर्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जो ब्रिडन ने बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। वहीं कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए ब्रिडन और हैरिस को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कॉमन चैलेंज के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए साथ काम कर दोनों देश अपने रिश्तों को नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में टीका लगवा चुके लाभार्थियों को इस अभियान में शामिल कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बातचीत में लाभार्थी टीकाकरण के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। NCB ने बुधवार को नवी मुंबई से परवेज खान उर्फ चिंकू पठान नाम के एक बड़े ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। NCB को इसकी काफ़ी समय से तलाश थी। इसी से पूछताछ के आधार पर NCB ने डोंगरी में ड्रग्स की लैब का खुलासा किया और करोड़ों की ड्रग्स बरामद की है। साथ ही 2.5 करोड़ से ज़्यादा कैश और हथियार भी मिले हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी बुआ की 5 साल की बच्ची के साथ घर पर ही रेप की घटना को अंजाम दिया। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। महाराष्ट्र के चंदशोरी तालुका के गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस बारे में बताया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना लक्ष्मणपुर में बुधवार शाम हुई, जब कुछ लोगों ने शराब की अवैध भट्टी पर शराब का सेवन किया। शराब पीने के बाद सभी अचेत हो गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.